साहब थैंक यू सो मच भैया जी कहीं मैं आपका एक बार फिर स्वागत है बातचीत के सिलसिले को मन से किया करो अगर ताली बजाने की इच्छा हो तो बजा लिया करो। आधा अधूरा आदमी जो होता है बड़ा मुश्किल होता है फंसा रहता है ना इधर कर रहता है ना उधर कर रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू सो मच। अजी कहाँ से हैं आप? हम सर यूपी उत्तराखंड। उत्तराखंड से? उत्तराखंड में कहाँ से हैं? किला कुतुब मीनार एक भैया जी बस बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू सो मच। बातचीत का सिलसिला जोड़ूंगा मैं। कहां से आए हैं आप? अच्छा आप शिमला से? जी 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 शिमला से कैसे आना हुआ? पास आइए उतनी दूर में खड़े हुई पास आइए पास आइए मैं पूछूंगा नहीं आपसे। तो बेटा यहाँ पे है क्या कर रहा है बेटा? पायलट है। पायलट है विस्तारा में? बहुत अच्छे साथ में है बहुत बहुत शुभकामनाएं थैंक यू। हाँ वीडियो कॉल करो पापा को करो जल्दी। पापा तो यही है बताओ मम्मी को पापा मेरे साथ ही हैं बताओ जल्दी। ऑल द बेस्ट बहुत बहुत शुभकामनाएं। मौसम बदलता है तो पता चलता है चीजें दिखती हैं। लोगों ने कहा कि 5-6 डिग्री कम हो गया टेम्परेचर रोज सुबह जो है 5-6 डिग्री कम रहता है या 4-5 डिग्री कम हुआ है और यकीनन जब चुनाव नजदीक होते हैं तो मुझे भी पता चल जाता है कि चुनाव जो है बिल्कुल 5-6 डिग्री कम हो गया है यानी बिल्कुल नजदीक है। यात्राएं यात्राएं और यात्राएं चल रही हैं। एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा है और एक तरफ गौरव यात्रा गुजरात में भी शुरू हो गई है। हालांकि 2-3 बार वाके किससे बात कर रहे थे? बेटे से बात कर रहा था। कहाँ क्या कह रहा था? बेटे को बोला तो लाइव चल रहा है। लाइव चल रहा देखो ये नहीं कहा कि बेटे से कह देखो बिल्कुल सलमान खान लग रहा हूँ मैं। भैया जी को देखो। हाँ भैया जी को कहे सब समझते हैं कोई नहीं कह रहा था भैया जी को देखो कह रहे थे कि देखो देखो सलमान खान लग रहा हूँ कि नहीं लग रहा हूँ बिल्कुल सलमान खान लग रहे हो। बहुत बहुत हाँ मैं आया आपके पास आया। तो चुनाव और चुनाव की यात्राएं लगातार चल रही हैं लेकिन मैं आता हूँ बातचीत चुनाव पे करने नहीं। दरअसल मैं आप लोग आना हुआ तो लोग कहते हैं वहां से आना हुआ फिर मैं उसका कैसे फिर पूरा दोबारा पूछा कह रहे आपसे मिलने आया। झूठ बोलते हैं लोग सच्चाई है अभी मैं आपसे मिलने आई हूँ। हाँ हाँ ये बिल्कुल सही बात अच्छा मिलने आया। और बाबूजी कहाँ से हैं आप? कानपुर। अच्छा कैसे आना हुआ? बस ऐसे ही ऐसे ही तुम असली आदमी हो यार सेकंड लगता है मुझे पहचानने में मैं मेरी आंखें कभी धोखा नहीं खाती कभी कभी खा जाएं बड़े घाग लोग होते हैं बड़े घाग घाग लोग होते हैं बड़ी मोटी चमड़ी के लोग उनसे मात खा जाता हूं कभी कभी लेकिन असली आदमी को पहचानने में देर नहीं लगती है। तो कब आए थे कानपुर? अरे तो मुझे दे दीजिए मौका मैं चला के दिखा दूंगा। बात अर्थव्यवस्था पे हो रही थी बात बेरोजगारी पे हो रही थी तो कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि अगर आप सरकार नहीं चला सकते तो मुझे दे दीजिए मौका हम विपक्ष को मौका दे दीजिए हम सरकार चला के दिखा सकते हैं। उधर बीजेपी ने कहा जो उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो है वो अटकी भटकी और लटकी पार्टी है अटकी भटकी और अच्छा लगता है जब बुजुर्ग गुस्सा होता है तो अच्छा लगता है। आप कहाँ से हैं? मैं तो उत्तर प्रदेश से हूँ। उत्तर प्रदेश से हैं? हाँ वो तो मैं समझ गया कहाँ से उत्तर प्रदेश से? गोरखपुर। गोरखपुर क्या हुआ तिवारी गोरखपुर का नाम सुनते ही तुम बिल्कुल एकदम हंसने लगे। योगी जी का इलाका है बहुत अच्छी बात है। तो जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है मैं उनसे आपका तारुफ करा दूं। मैंने मुद्दा सामने रख दिया है अजय सहरावत साहब बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं बहुत बहुत शुक्रिया अजय बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू सो मच। ज्योति कुमार सिंह कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बहुत पुराने मित्र हैं हमारे बहुत बहुत शुक्रिया। यूनिवर्सिटी में हैं वो मौजूद हैं बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू सो मच। और हमारे साथ कौन मौजूद है क्या नाम है भूल गए नाम? पंकज। पंकज आपका छोटा भाई पंकज मौजूद है जी। हाँ जी हाँ जनाब जी हम भी हैं। हाँ हाँ बताइए
मैं जितेंद्र शर्मा हूँ, लखनऊ से आया हूँ, नॉर्दर्न रेलवे में वर्किंग हूँ जी। भारत सरकार ने जो हमारी पेंशन खत्म कर दी है, न्यू पेंशन स्कीम में उसको कन्वर्ट कर दिया 2004 के पहले वाला मसला है ना ये। बिल्कुल सर जी। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब भारत भुखमरी से जूझ रहा था फिर तब वो हमको ओल्ड पेंशन स्कीम दे पा रहा था, आज जब 5 लाख करोड़ 10 लाख करोड़ की बात बाजी हो रही थी तब पता ही नहीं चला मुझे। अच्छा हाँ